हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैंने आज केले की भुजिया बनाई है टिफिन में, और ये मैंने सलाद काट लिया है और टिफिन में लगा दूंगी। अब 7:30 बजने वाले हैं, ये ड्यूटी जाएंगे। टिफिन में हमेशा भुजिया ही बनाती हूँ, क्योंकि रस्से वाली सब्जी गिरने का डर रहता है और पूरे बैग में फैल जाते हैं, इसलिए मैं भुजिया ही बनाकर रखती हूँ टिफिन में। तबीयत भी खराब हो गई थी 2 दिन, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई थी और सब वैसे की वैसे फैला हुआ था। शायद मेरा बीपी लो था, इसलिए मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे थे, और मैं अभी पूरे कपड़े बना कर रख दूंगी। और जो मतलब बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे पहले के भी, तो उनको भी निकाल निकाल कर पूरा मैंने बैग में भर दिया है। मतलब सर्दियों के टोपे और ये मोजे बहुत सारे फैले हुए थे, तो रख दिया उसको इनर सब पूरा, और मैं फिर अच्छे से झाड़ू लगा लूंगी। काम नहीं किया तो बस थोड़ा हल्का फुल्का ही कर लिया करती थी, और बस मुझे चक्कर आते थे, मैं सोए लेटे रहती थी। और खाना भी एक दिन मतलब मैंने नहीं खाया था, तो मेरा जी नहीं चल रहा था, इसलिए मैं काम भी नहीं कर पा रही थी। अब मैं कुछ ठीक हो गई हूँ, तो मैं अपना ये जो रोज़ का रूटीन का काम है वो कर लूँगी। और अब 10 दिन पहले मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वो आ गया है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखते हैं कैसे ये सामान आता है। और मैंने अपने काम करके और खाना बना के और अपना जो खा पी के, अब मैंने अपने ये जो सामान है वो मैं आपसे शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। Thank you.
कुछ कपड़े फैले हुए थे पूरे, मैंने मेरे पूरे पूरे साड़ी के ब्लाउज हैं, मैंने मैं इसको मतलब बना बना रख दूंगी। और शाम को 5:30 बज रहे हैं, 5:30-6 बज रहे हैं, और मैंने बताया कि तबियत में थोड़ी ठीक लग रही है, आप खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सभी की तबियत खराब लगने की वजह से 5 बज रहा है, मौसम बदल रहा है, तो सभी तबियत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं वैसे नाम खिचड़ी बनाने का मेरा मतलब मन था, मैं खिचड़ी ही बनाऊंगी। खाने का मन भी करता है। और कैसा लगा आज के ब्लॉग फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय।